जो कर्मा बाई थी सुबह सुबह 3-3:30 बजे खिचड़ी चढ़ा देती बिना नहाए धोए बिना कुल्ला किए। उन्होंने विचार किया कि शाम तक सहन भोग तक तो खूब लोग भोग लगाते हैं, ठाकुर जी रात में सोते होंगे तो अब इतनी लेट तक उनको भूख नहीं लग जाती होगी, होगा हम जल्दी भोग लगाएंगे। 3-3:30 बजे खिचड़ी उबाल करके बुलाती, ठाकुर जी आने लगे पाले लगे। अब एक दिन 7-8 बजे स्नान करने जा रहे थे तो एक नियम संयम वाले महात्मा मिले, कर्मा भाई अब स्नान करने जा रहे तुम भक्त होकर के? तो उनका महाराज वो सुबह से खिचड़ी बनाते ना ठाकुर जी को, इसीलिए अपनी बातें सबको नहीं बतानी चाहिए उपासना की, गुरुजनों से ही बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ ना सुबह सुबह, ठाकुर कितना बड़ा पाप कर रहे हो, अपराध कर रहे हो, बिना नहाए धोए ठाकुर को भोग लगाते हो, उनको पवा दे तो बड़ा अपराध है। अब उनके संतों पर श्रद्धा थी। अच्छा तो अब वो सुबह शुरू हो गई स्नान और सब करते हुए, फिर भोग बनाया और बुलाया ठाकुर जी, एक कवली पैर तले मंदिर का पट खुला तो भागे जगन्नाथ जी। वहां खिचड़ी मुख में लगी थी वैसे, तो वहां सेवकों ने कहा जय जय अभी तो भोग भी नहीं पद रहा है, आप कहां से खिचड़ी लगाए? अरे बोले एक महात्मा है ना बड़ी पंडिताई छाट दिया कर्मा भाई से, अब वो हमें प्यार से तड़के पवाती थी, अब उनका भोग लेट विलंब से लगा इसीलिए ऐसा। तो अच्छा उनका आदेश कर दो जाके कर्मा भाई को कि तुम जैसे बनाती थी वैसे ही बनाओ, ये सब सिद्धांत दूसरों के लिए प्रेमियों के लिए नहीं, भगवान ने स्वयं कहा। भगवान शंकर बोले वो गांजा पीते हैं, अरे भगवान शंकर हलाहल विष लिया जगत की रक्षा के लिए, कभी भगवान शंकर को चिलम फूकते देखा गया? वाह, अरे हम लोग अपनी वासनाओं का पोषण कर रहे हैं इष्ट के नाम पे, ये ठीक है, इष्ट को मत उसमें सम्मिलित करो कि भगवान शंकर तो गांजा पीते हैं और माता जी शराब पीती हैं तो बेटे सब बदमाश ही हो जाएंगे फिर तो, है बताओ ना, माता पिता जिसके ऐसे होंगे बच्चे कैसे होंगे? बच्चे हैं गणेश जगत पूज्य, बच्चे हैं देवताओं के भी स्वामी कार्तिकेय जी, सेनापति हैं देवताओं के, और देख लो शासन कैसा है, शासन कार्तिकेय जी का वाहन मोर, मोर का हर सांप महादेव के गले में पड़ा है, एक दूसरे से मित्रता है, माता जी का वाहन सिंह, पिताजी का वाहन नंदिकेश्वर, वो उधर लाल टपका रहा साथ में शांति से बैठे हुए, देखो ला सांप जो गले में है उसका हार चूहा बेटे की सवारी